हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिशियन गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले थ्री फेज इंडक्शन मोटर, जो हमारी 5 HP से ऊपर की जो मोटर होती है, उनके जो सिरे जांचने की विधि है वो मैंने आपको दो तरीके से बता दी है। एक हमारी टेस्ट लैंप, जो जिसको स्पार्किंग विधि हम कहते हैं, और दूसरी वोल्टमीटर की सहायता से। वोल्टमीटर में भी दो तरीके की है, दोनों मैंने आपको बता दी है। जिनकी वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है वो आप जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज देखेंगे कि जो इस मोटर को चलाते हैं वो बेसिकली हमारे पास तीन तरह के स्टार्टर होते हैं। एक यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे पास हस्त चलित स्टार डेल्टा स्टार्टर है, एक सेमी स्टार डेल्टा स्टार्टर है, और एक होता है ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। आज हम देखेंगे कि जो हमारे पास हस्त चलित स्टार डेल्टा स्टार्टर है, उसके अंदर जो हमारी मोटर है, उसके हमने जो ग्रुप बना के कनेक्शन किया, उसकी जो है स्टार डेल्टा स्टार्टर में कनेक्शन किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके अंदर की जो है प्रोसेसिंग जान लेते हैं, किस तरीके से इसके अंदर जो प्रोसेसिंग होती है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पास एक स्टार डेल्टा स्टार्टर, हस्तचलित स्टार डेल्टा स्टार्टर। हस्तचलित को बोलते हैं फ्रेंड्स कि इसमें एक यहाँ पे आपको साइड में स्टैंड देखने को मिल रहा होगा, इसके सहायता से हम इसको एक बार मोटर को स्टार में और एक बार इसको डेल्टा में चलाते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ आप देख रहे होंगे एक रेड कलर का बटन, जो कि इसको स्टॉप करने के लिए होता है। मोटर जैसे कंटिन्यू रन कर रही है तो उसको अगर स्टॉप करना है तो इस बटन से हम यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। अब इसके अंदर की हमें जो प्रोसेस जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको तीन तीन के ग्रुप में तीन ग्रुप दिख रहे होंगे, यहाँ तीन तीन स्टड के ग्रुप में तीन ग्रुप आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे तीन, यहाँ तीन, यहाँ और तीन, यहाँ ऊपर भी फ्रेंड्स आपको तीन तीन के ही ग्रुप में आपको तीन स्टड और देखने को मिल रहे होंगे। तो ये तो हो गए फ्रेंड्स हमारे स्टड, जिनके अंदर हम मेन सप्लाई के और मोटर के कनेक्शन करेंगे। साइड में यहाँ पे आपको एक NVC देखने को मिल रही होगी। ये NVC का काम क्या होता है फ्रेंड्स, वो मैं बताता हूँ आपको। और यहाँ पे आपको साइड में एक है जो OLC देखने को मिल रही है। अब फ्रेंड्स, जब हमारी मोटर डेल्टा के अंदर चलती है, स्टार से डेल्टा के अंदर जब चलेगी, तो हमारे जो हैंडल को है वो ये NVC है जो पकड़ के रखती है, हमारे हैंडल को वापस नीचे नहीं आने देती। तो ये वर्क किस तरीके से करती है, ये होती है फ्रेंड्स हमारी दो फेज पे स्टार्ट होने वाली। दो फेज पे किस तरीके से स्टार्ट होती है, इसके कनेक्शन कुछ इस तरीके से होते हैं। आप यहाँ पर नीचे देख रहे होंगे, इसके दो जो वायर हैं वो हमारे पास घूम कर यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ दो वायर आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके जो कनेक्शन होते हैं, वो पहला कनेक्शन होता है हमारे OLC के साथ। यहाँ पे आपको एक तार हमारे OLC के साथ कनेक्ट होने देखने को मिल रहा होगा, और दूसरा जो वायर है वो हमारे पास यहाँ पे जो पहला ग्रुप है उसके तीसरे स्टड से यहाँ पे कनेक्ट आपको दिख रहा होगा। फ्रेंड्स, जो NVC है उसको हम डेल्टा में चलाते हैं। तो डेल्टा में चलाने के लिए कनेक्शन कुछ इस तरीके से करते हैं कि ये जो NVC है वो हमारी उसी टाइम चले जब हैंडल हमारा डेल्टा क्रम में हो। अगर फ्रेंड्स हम गलती से एक तार भी इसका है वो स्टार क्रम में रख देंगे, तो हमारी NVC स्टार में जब चलाएंगे तब भी ऑन रहेगी, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी की जो लॉसेज है वो ज़्यादा हो जाएंगे हमारे पास। तो उसके लिए हम करते क्या है फ्रेंड्स, एक तार तो हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे थर्ड पॉइंट पे यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जब हम इसको स्टार में चलाएंगे तो इस पत्ती के माध्यम से हमारा जो फेज है वो NVC को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ इनमें कोई भी कनेक्शन बीच में नहीं है। स्टार में क्या होगा फ्रेंड्स, इसका कनेक्शन किसी भी फेज से नहीं होगा। और यहाँ पे जो OLC की सहायता माध्यम से जो हमारा दूसरा फेज मिलेगा, वो इस जो तीसरे ग्रुप में तीसरा जो कॉन्टैक्टर है, तीसरे ग्रुप में तीसरा कॉन्टैक्टर है, वहाँ से मिलेगा। अब देख सकते हो इसमें भी यहाँ पे बीच में कोई कनेक्शन हमारे फेज के साथ नहीं है। पर जब इसको डेल्टा में चलाते हैं तब आप देख रहे हो ये जो पत्ती है ये आपस में सारी पत्तियों को शॉर्ट करेगी। जब शॉर्ट करेगी तो एक फेज तो हमारा यहाँ से मिल जाएगा शॉर्ट होते ही, और दूसरा फेज यहाँ से मिल जाएगा। उस कंडीशन में हमारी NVC है जो ऑन हो जाएगी और हमारे स्टड को जकड़ लेगी, मैग्नेट बनेगा तो हमारे जो स्टड को है वो पकड़ लेगी, तो पकड़ेगी तो हमारे स्टैंड वो वापस नीचे नहीं आएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो OLC होती है इसी के श्रेणी क्रम में हमारी NVC लगी हुई होती है, कि अगर जब हमारी मोटर ओवरलोड होएगी तो यहाँ पे जो आप पत्तियाँ देख रहे होंगे OLC के साथ, यहाँ तीन पत्तियाँ लगी हुई है। जैसे ये पत्तियाँ गर्म होएगी तो ये गर्म होकर हमारी जो OLC के जो ये जो स्टड लगा हुआ है इसको उठाएगी, और जैसे ही ये ऊपर उठाएगी यहाँ से आप देख रहे होंगे जो हमारा ये कॉन्टैक्ट जो बन रहा है किससे, NVC के साथ वायर के साथ में, ये यहाँ से खुल जाएगा। और जैसे ही फ्रेंड्स ये वाला कॉन्टैक्ट यहाँ से कट होएगा, कट होते ही फ्रेंड्स एक जो फेज यहाँ से हमारी NVC को दूसरा जो फेज यहाँ से मिल रहा था वो भी कट हो जाएगा, और हमारी जो NVC है वो सिंगल फेजिंग होते ही हमारे यहाँ पे ऑटो कट हो जाएगी। और जैसे ही कट होगी हमारे जो हैंडल है उसको छोड़ देगी और हमारा हैंडल है वो नॉर्मल स्टेज में आके रुक जाएगा। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं सबसे पहले कि जो मेन सप्लाई के कनेक्शन है वो हम कहाँ पे करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें तीन जो हमारे पास सप्लाई आती है RYB, उसके कनेक्शन हम कुछ इस तरीके से करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारे
मेन सप्लाई के कनेक्शन होते हैं वो तीनों ग्रुप में पहला जो स्टड होता है उनके अंदर हमारे यहाँ पे आर, यहाँ दूसरे ग्रुप के पहले स्टड में वाई और तीसरे ग्रुप के पहले स्टड में बी, वो कनेक्शन यहाँ पे होता है आर वाई बी। इस तरीके से यहाँ पे तीनों फेज के तीन कनेक्शन पहले स्टड पे हो जाते हैं। अब बचे हमारे पास दोनों दो स्टड, यहाँ पे दो स्टड आपको देखने को मिल रहे होंगे अलग से जो हमारे यहाँ पे रह गए हैं। अब इनके अंदर होते हैं हमारे जो मोटर के कनेक्शन, वो किस तरीके से होते हैं वो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, जब हमने मोटर के सिरे जांचे थे उस टाइम पे हमने तीन ग्रुप बनाए थे और तीनों ग्रुप में एक एक जो सिरे थे जिन पे हमने गांठ लगाई थी, जिनको वन वन माना था, जिनको हमने गांठ लगाकर वन वन सिरा माना था, उन वन वन सिरों को फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपके यहाँ पर जो तीसरे नंबर के सिरे हैं, जिनको तीसरे नंबर के जो तीनों ग्रुप में तीसरे नंबर के जो सिरे हैं उनके साथ में कनेक्ट कर देना है। ये इसमें ये नहीं देखना कि पहला मतलब पहली वाइंडिंग का, दूसरी वाइंडिंग का, तीसरी वाइंडिंग, आपको जो गांठ लगाई थी वो डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है बिना सोचे। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने यहाँ पे जो गांठ लगे हुए सिरे हैं उनको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि ये सिरे की गांठ है वो किस तरीके से लगाई, तो इसकी मैंने दो या तीन तरीके से वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवा दी है यूट्यूब चैनल पे, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर जब तक आप वो जो इसकी वाइंडिंग के हैं सिरे जांचना नहीं सीखोगे तब तक आप किसी भी स्टार डेल्टा स्टार्टर के अंदर कनेक्शन, मोटर के कनेक्शन कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले ये सिरे जांचने वाली वीडियो ज़रूर से देखिए। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसके आगे की कि वन वन जो सिरे थे जिस पर गांठ लगाई थी वो तो हमने बिना सोचे जो तीसरा स्टड था उसके अंदर कनेक्ट कर दिए हैं। अब बात आ गई एक सिरे जो हमारे एक एक स्टड बच गए, बीच बीच वाले स्टड बच गए उनके अंदर कनेक्शन करने की। तो फ्रेंड्स, वन वन सिरे की हमने बात कर ली है, अब टू सिरे जो बच रहे हैं इनकी बात करते हैं। तो उसके कनेक्शन किस तरीके से करेंगे कि वन सिरा जो रेड वाला आप देख रहे हो उसको तो हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे तीसरे स्टड से। अब इसके जो ये दूसरा जो हमारे पास वायर बच गया एक ही वाइंडिंग का, इसको करेंगे हम दूसरा वाला जो ग्रुप था उसके अंदर बीच वाला जो सिरा बच रहा है इसके अंदर। यहाँ देख सकते हो फ्रेंड्स, पहली वाइंडिंग के दूसरे सिरे को हमने दूसरे जो ग्रुप बन रहा है उसके यहाँ पे बीच वाले कॉन्टैक्टर पे कनेक्ट कर दिया। अब जो यहाँ दूसरी वाइंडिंग का पहला सिरा है वो तो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, अब इसका जो दूसरा सिरा बच रहा है जिसको हम बोलेंगे टू नंबर का, वो करेंगे तीसरे वाले ग्रुप के बीच वाले सिरे पे कनेक्ट। अब फ्रेंड्स, इसको मैंने कनेक्ट कर लिया है जो दूसरे वाले वाइंडिंग का दूसरा सिरा है उसको तीसरे नंबर के ग्रुप में बीच वाले सिरे पे कनेक्ट कर दिया। अब तीसरी वाइंडिंग का पहला सिरा यहाँ कनेक्ट कर दिया है, अब बच गया इसका दूसरा सिरा, इसको करेंगे हम पहले ग्रुप में बीच वाले सिरे जो खाली हमारे पास बच रहा है अब इसके अंदर इसको कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो पहला स्टड है, हर ग्रुप का पहला स्टड है जिसमें हमने तीन फेज दे दिए हैं आर वाई बी, यहाँ पे तीन फेज दे दिए हैं। उसके अलावा अब बच रहे हैं हमारे पास दो स्टड, तो दो स्टड में हम मोटर के जो कनेक्शन करें वो कुछ इस प्रकार करें कि जिन पे गांठ लगाई थी वो सिरे हम तीसरे नंबर के कॉन्टैक्टर पे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ देख लो, पहले वाइंडिंग का जिस पे हमने गांठ लगाई थी उस सिरे को तीसरे नंबर पे कनेक्ट कर दिया, दूसरी वाइंडिंग के दूसरे सिरे पे जिस पे गांठ लगाई थी हमने उसको यहाँ तीसरे नंबर पे कनेक्ट कर दिया, और तीसरे नंबर के ग्रुप में तीसरी वाइंडिंग के जो सिरे पे गांठ लगाई थी उसको तीसरे नंबर पे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब बात कर लेते हैं इनके एक एक सिरे जो बच गए एक एक वाइंडिंग के उनको किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो पहले जो पहला वाइंडिंग का जो पहला सिरा है उसको तो यहाँ कनेक्ट कर दिया, दूसरे सिरे को करेंगे हम यहाँ दूसरे ग्रुप में बीच वाला जो स्टड है उसके साथ कनेक्ट। उसके बाद में फ्रेंड्स, जो दूसरी वाइंडिंग का एक सिरा हमने ब्लैक वाला यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसको करेंगे इसके दूसरे सिरे को कनेक्ट करेंगे हम तीसरे वाले ग्रुप के बीच वाले सिरे पे कनेक्ट। उसके बाद में तीसरी वाइंडिंग के जिस सिरे पे हमने गांठ लगाया उसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, इसके अलावा जो सिरा जो बच रहा है उसको करेंगे हम पहले वाले जो ग्रुप है उसके बीच वाले कॉन्टैक्ट पे कनेक्ट। ये हो गया हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का कनेक्शन। अब फ्रेंड्स, ये काम कैसे करेगा, जैसे हम इसको एक बार स्टार में चलाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो यहाँ पे कॉन्टैक्टर है उनको यहाँ पे टच करने के लिए यहाँ पे पत्तियाँ लगाई हुई है, तो तीन पत्ती यहाँ पे देखने को मिल रही होगी और यहाँ पे छह पत्ती नीचे आपको देखने को मिल रही होगी। तो जब हम एक बार इसको नीचे चलाएंगे तब हमारी मोटर चलनी चाहिए स्टार में। स्टार में क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा तीनों वाइंडिंग का एक एक सिरा में जो जिसमें हमने गांठ लगाई है वो होता है शॉर्ट, तीनों एक साथ शॉर्ट होते हैं, तो वो तीनों सिरे शॉर्ट होकर स्टार पॉइंट बनाते हैं। अब वो शॉर्ट कैसे हो रहा है, देखो जिसपे मैंने गांठ लगाई है वो है तीसरा सिरा, पहला दूसरा और तीसरा, ये तीनों सिरे तीसरे हैं, यहाँ पर यहाँ तक सप्लाई इसके अंदर आएगी, यहाँ देख सकते हो पहला दूसरा और तीसरा, ये इनसे अलग है, इन स्टड से अलग है। अब ये स्टार पॉइंट कैसे बना रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हो एक पत्ती लगी हुई है जो इन तीसरे स्टड को आपस में शॉर्ट कर रही है, यहाँ पे एक पत्ती लग रही है जो इन तीनों स्टड को आपस में शॉर्ट कर रही है। तो जब स्टार में चलाएंगे तो ये हमारे पास तीनों A11 जो सिरे हैं वो तीनों आपस में शॉर्ट हो जाएंगे और बाकी बचे हमारे पास एक एक स्टड जो बीच वाले जिस वाइंडिंग के हैं उनमें जाएगी डायरेक्ट सप्लाई। तो इस ये जो हमने कनेक्ट किया था यहाँ फेज
पहले पहले नंबर से यहाँ से सप्लाई आएगी और सीधा हमारी वाइंडिंग के सिरा जो इससे कनेक्ट हो रहा है, देखो यहाँ से शॉर्ट हो रहा है, इस वाइंडिंग के अंदर चल जाएगी, यहाँ से शॉर्ट हो रहा है इस वाइंडिंग में चल जाएगी और यहाँ से शॉर्ट होकर इस वाइंडिंग में चल जाएगी। अब हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगी स्टार क्रम के अंदर। अब फ्रेंड्स कुछ देर हम मोटर को चलाएंगे स्टार में, फिर उसके बाद चलाएंगे हम इसको डेल्टा में। जब इसको हम डेल्टा में चलाएंगे तो हमारे तीनों स्टड को ये जो वाली जो पत्ती है वो शॉर्ट करेगी। अब जब डेल्टा में हमारे पास मोटर चलती है तो यहाँ पे असमान सिरे एक साथ जुड़ते हैं, तो अब देखो यहाँ पे असमान सिरे ही एक साथ जुड़ रहे हैं। कैसे? ये तो हो गया सप्लाई का, यहाँ पर देखो यहाँ पर हो गया C2 और यहाँ पर हो गया A1, C2 A1 सिरा, यहाँ पर हो गया सप्लाई का, उसके बाद में हो गया यहाँ पे A2 और B1, उसके बाद में यहाँ साइड में आपको देखने को मिल जाएगा तीसरा जो तीसरा फेज है उसके साथ में यहाँ पर हो गया हमारे पास B2 और C1 सिरा, यानी कि हर सिरे हमारे असमान हो गए। जैसे ही हम इसको डेल्टा में चलेंगे हमारी मोटर डेल्टा में कंटिन्यू रन करना स्टार्ट कर देगी, जिसको हम देखते हैं आप प्रैक्टिकल के थ्रू हमारे मोटर के साथ में। तो फ्रेंड्स मैंने आपको स्टार्टर के अंदर कनेक्शन करके दिखा दिए हैं मोटर के किस तरीके से कनेक्शन होता है, अब हम इसको चला के दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने जो मोटर के ग्रुप बनाए थे वो भी आपको मैंने वीडियो बना कर बता दिया है एक बार। अब इसको हमने इस पर यहाँ पर जो स्टार्टर के जो कनेक्शन है अंदर से होते हुए हमारे पास यहाँ कॉन्टैक्टर पे आ रहे हैं जहाँ से हमने हमारी मोटर के कनेक्शन कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे सप्लाई ऑन करते हैं और मोटर को स्टार्ट करके आपको और दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स हस्तचलित स्टार्टर को चलाते समय एक सावधानी जो है वो आपको रखनी पड़ेगी, जैसे कि आप मेरे पास आइए। जैसे हम इसको स्टार के अंदर जब चलाएंगे तो हम इसको नीचे की तरफ चलाएंगे। अब जब नीचे की तरफ स्टार में चलेगा तो हमारे को इसको कम से कम 5-10 सेकंड होल्ड करके रखना है, उसके बाद जब हम इसको डेल्टा में चलाएंगे तो हमारे को इसको झटके से ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो झटके से ऊपर जाएगा तो फ्रेंड्स हमारे को इस पैनल को पकड़ के रखना पड़ेगा, हमारे स्टार्टर को भी हमारे को पकड़ के रखना पड़ेगा। जैसे हम इसको स्टार में चलाते हैं और झटके से ऊपर जाएगा तो हमारे को पैनल पकड़ के रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इसकी सावधानी आपको ज़रूर रखनी है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप इसको धीरे से ऊपर लेके जाओगे तो ये हमारा डेल्टा के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंदर इसके लॉकिंग सिस्टम होता है, तो इसको झटके से ही ऊपर लेके जाना पड़ता है, जिससे कि अंदर का लॉक है वो ओपन हो जाता है, फिर ये डेल्टा में जाके हमारी NVC जो इसको जकड़ लेती है। अब आपको मैं मोटर स्टार्ट करके एक बार और दिखा देता हूँ। तो हम इसको पहले स्टार्ट में चलाएंगे। फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके की जो वीडियोस हैं वो मैं आपके लिए प्रोवाइड कराता रहूँगा। अब हम और भी वीडियोस के अंदर देखेंगे कि हम इस जो हमारे 5 HP से ऊपर की जो मोटर्स होती है उसको जो अभी 7040 से देखा, अब हम देख लेंगे सेमी स्टार डेल्टा स्टार्ट से, उसके बाद ऑटो से हम इसको चलाकर आपको एक बार और दिखा देंगे।